नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लेकर आ गए हैं रोज की तरह कुछ ऐसे छोटे टिप्स जिनको अपना के आपके घर किचन के काम होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर आपको आज के टिप्स ज़रा भी यूजफुल लगते हैं तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टिप है, यहाँ पर आपको लेना है इस तरीके से आधी कटोरी पानी और इसमें आपको डाल देना है कोई भी शैम्पू। तो यहाँ पर आप थोड़ा शैम्पू इस तरीके से डाल के और इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने शैम्पू को इसमें अच्छे से बना के तैयार कर लिया है। इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं सिलेंडर पर। जब भी आप सिलेंडर ले आएँ तो आप इसको इस तरीके से बना के और यहाँ पर आपको पानी को डाल देना है। तो जैसे ही पानी डालने के बाद में इसमें अगर झाग जैसे निकलने लगता है तो आप समझ जाइए कि सिलेंडर लीकेज है। अगर कोई भी झाग वगैरह नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि सिलेंडर लीकेज नहीं है। तो इस तरीके से आप सिलेंडर को लाने के बाद शैम्पू का पानी इसमें ज़रूर डालें। तो ऐसे आप सिलेंडर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने पानी डाला हुआ है, बिल्कुल भी झाग नहीं बना हुआ है, इसका मतलब सिलेंडर लीकेज नहीं है। अगली टिप है, यहाँ पर जब भी हम लोग चुकंदर वगैरह कट करते हैं तो होता क्या है, जो इसमें कलर निकलता है वह हमारे हाथों में लग जाता है। जब भी इस तरीके से कट करते हैं तो हाथों में काफ़ी ज़्यादा कलर लग जाता है जो कि आसानी से नहीं निकलता है। तो आप देख सकते हैं जो हाथ हमारे हैं काफ़ी ज़्यादा रेड कलर के हो गए हैं। तो जब भी इस तरीके से कलर वगैरह लग जाए तो आप ले लीजिए कोलगेट पेस्ट और आपको थोड़ा सा पेस्ट इस तरीके से उंगली पर निकाल लेना है और पूरी हथेली पर आपको अच्छे से रब कर देना है। जब आप इस तरीके से कोलगेट पेस्ट को लगा लेंगे तो जो भी कलर वगैरह के निशान लगे होंगे बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएंगे। तो ऐसे आप आसानी से अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप नाखून वगैरह भी साफ कर सकते हैं। अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो वहाँ पर भी आप कोलगेट को लगा के साफ करेंगे तो आपके नाखून भी बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाथ हमारे काफ़ी अच्छे से साफ हो चुके हैं। अगली टिप है, यहाँ पर कटोरी में आपको डाल देना है लगभग आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आपको ले लेना है एक कपूर की गोली। और गोली को आपको क्या करना है, इस तरीके से कूट के तैयार कर लेना है। तो इसके आपको बारीक बारीक टुकड़े इस तरीके से कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने कपूर को इस तरीके से बना लिया है। इसके बाद में आपको ले लेना है गेहूं का आटा। अगर आप गेहूं का आटा ना डालना चाहें तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक चम्मच इसमें आटा को डाल दिया है और ऐसे आपको बना के तैयार कर लेना है। इसके बाद में आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस रेमेडी को बना के तैयार कर लिया है। तो इससे समाप्त होने वाली है हमारे घर की सबसे बड़ी मुसीबत इस रेमेडी से। तो आपको करना क्या है, इसको इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पर आपको ले लेना है इस तरीके का कोई भी पेज और इसके आपको छोटे छोटे टुकड़े करके तैयार कर लेने हैं। इसके बाद में जो हमने रेमेडी बना के रखी हुई है इसको आपको इसी पे इस तरीके से लगा देना है। तो ऐसे आप जितनी भी रेमेडी बनाई है सभी कागज़ पे आप लगा के पहले इस तरीके से तैयार कर लेना है। इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं चूहे भगाने में। हमारे घर में जब भी चूहे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो आप इस रेमेडी को बना के चूहों को आसानी से बिना मारे भगा सकते हैं, क्योंकि जो हमने इसमें लाल मिर्च और कपूर डाला हुआ है जैसे इसको चूहे खाएंगे तो उनके गले में जलन होने लगती है जिससे चूहे तुरंत ही बाहर की ओर भाग जाएंगे। तो अक्सर चूहे किचन वगैरह में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ खाने पीने की चीज़ें उनको मिलती रहती हैं। तो इस तरीके से आप इसको गैस चूल्हा के नीचे या डिब्बों वगैरह के पीछे रख दीजिए। इसके अलावा इसको सूज स्टैंड के नीचे और भी ऐसे कोने वगैरह में रख दीजिए तो इसको खाते ही चूहे तुरंत ही आपके घर से भाग जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस घरेलू रेमेडी को बना के चूहों को भगा सकते हैं। अगली टिप है, आपको डाल देना है कटोरी में लगभग एक चम्मच खाने वाला सोडा। तो यहाँ पर सोडा आपको ज़्यादा लेना है या मैंने इसमें दो चम्मच डाल दिया है। इसके बाद में आपको ले लेना है वाशिंग पाउडर। जितना आपने सोडा डाला है उतना ही आपको इसमें डाल देना है वाशिंग पाउडर। दोनों चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। इसके बाद में ले लेना है एक नींबू और इसके आपको रस को इसी में निकाल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नींबू को कट कर लिया है और इस तरीके से इसके रस को निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने
इस तरीके से नींबू के रस को इसमें डाल दिया है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ले लेना है पानी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अच्छे से नींबू के रस को निकाल लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आपको इस तरीके से फेंट लेना है, जिससे कि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हुई हैं सभी चीज़ें अच्छे से घुल जाएं। तो इस तरीके से आपको इस लिक्विड को बना के तैयार कर लेना है। सबसे बाद में आपको डाल देना है इसमें थोड़ा सा शैम्पू। तो ऐसे आपको इसको बना लेना है। इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं टॉयलेट की सफाई में। अगर आपका टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, टॉयलेट में बैड स्मेल आ रही है, तो आप इस लिक्विड को बना के अगर टॉयलेट को साफ करेंगे तो आप देखेंगे कम मेहनत कम समय में गंदे से गंदा टॉयलेट आपका बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस लिक्विड को इस तरीके से पूरे टॉयलेट पे अच्छे से डाल देना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, डाल के और ऐसे ही आपको इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद में आपको ब्रश को गीला करके और इस तरीके से हल्का हल्का चला देना है। तो जैसे आप ब्रश चलाते जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी इसमें गंदगी वगैरह लगी थी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी होगी, और जैसे ही ब्रश चलाएंगे तुरंत ही गंदगी बाहर की ओर निकल के आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप बेसिन को भी साफ कर सकते हैं, साथ ही टाइल्स वगैरह भी इससे बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरे टॉयलेट पे ब्रश को अच्छे से चला दिया है, साथ ही टाइल्स को भी इसी से अच्छे से साफ कर दिया है। इसके बाद में पानी डाल के साफ कर लिया। आप देख सकते हैं जो टॉयलेट हमारा है इतनी अच्छे से चमकने लगा है। तो ऐसे आप भी घर पे इस लिक्विड को बना के आसान तरीके से अपने टॉयलेट को साफ और खुशबूदार रख सकते हैं, क्योंकि जो इसमें शैम्पू होता है टॉयलेट में चमक बढ़ाने का काम करता है, और जो सोडा होता है वो बैड स्मेल को रिमूव करता है। अगली टिप है यहाँ पर कुकर को लेके। जब भी हम लोग कुकर में कोई भी चीज उबालते हैं तो कुकर की हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है। आप देख सकते हैं जो कुकर है इसमें काफी ज्यादा निशान पड़े हुए हैं। तो जब भी इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं तो ये आसानी से नहीं निकलते हैं। तो इसको हटाने के लिए आपको करना क्या है, जो भी हम लोग चाय बनाते हैं और चाय जो पत्ती बच जाती है उसी को आपको ले लेना है और इसमें डाल देना है। इसके बाद में डाल देना है डिश वॉश जेल और इस तरीके का इसके बाद लेके आपको पूरे कुकर पे अच्छे से रब कर देना है। जैसे ही आप स्क्रबर को चलाते जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपका कुकर है बहुत ही अच्छे से चमकने लगेगा, और जो भी इसमें दाग धब्बे पड़े हुए थे बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे। तो ऐसे आप गंदे से गंदे कुकर को साफ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास अल्मोनियम की कढ़ाई वगैरह है तो उनको भी चमका सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुकर है मैंने इसको साफ कर लिया है। इसके बाद में आपको धुल के दिखाते हैं कि कुकर हमारा कितनी अच्छे से साफ हो गया है। तो ऐसे आप भी छोटे छोटे टिप्स को अपना के अपने घर किचन के काम को आसान बना सकते हैं, साथ ही अपने लिए समय को बचा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकर हमारा एकदम से चमक गया है। अगर आपको आज के टिप्स जरा भी यूजफुल लगे हों तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब कर लेना।